निर्जक हैं जयंती लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। जिनवाणी कहती है, समतोल का, विवेक का, सहजता का, शांति का, आनंद का जीवन जियो। समय सार कहता है कि निज भगवान आत्मा को जानो, निज में रमो, जमो। जब निज में ना रम पाए, ना जम पाए, तो अपने व्यवहारिक कर्तव्यों को भी भली भांति अच्छे से करो। सौभाग्यशालियों, समय सार की 137 नंबर की गाथा है। एक सौ सैंतीस, 38, 39। और 40। इन गाथाओं में जीव पुद्गल की भिन्नता ही है। व्यवहार से जीव कर्म से बद्ध है, इस बात की विशेष चर्चा की गई। जय जीवेन सहचिय पुग्गल दबस कम परिणामो एवं पुग्गल जीवा उदो भी कम्मत मावन्ना। जय जीवेन सहचिय, जय जीवेन सहचिय। जय माने होता है यदि। कुछ कुछ प्रांतों में अभी भी यदि के लिए जय बोलते हैं। प्राकृत भाषा मतलब जो है ना, प्रकृति की भाषा, लोगों की भाषा, जन भाषा, जन जन की भाषा। आज भी बहुत सारे लोग प्राकृत शब्दों का उपयोग करते हैं। संस्कृत के शब्दों का लोक व्यवहार में कम उपयोग होता है, प्राकृत के आज भी उपयोग होता है। बहुत सारे शब्द, शिखर जी की यात्रा चढ़ेंगे, हाथ में क्या लेकर के चढ़ेंगे? पहाड़ चढ़ना है, लट्ठी लेकर के, लाठी लेकर के। लाठी कौन सी भाषा का शब्द है? आप कहोगे देसी भाषा का, छत्तीसगढ़ी का, लेकिन वास्तव में वो प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषा का ही शब्द है। ये देसी प्राकृतें कहलाती हैं। फिर भले आप उसे सौर सैनी बोलो, महाराष्ट्री बोलो, लट्ठी। महाराज जी को कुएं का ही पानी चलता है, छना हो, प्रासुक किया गया हो तो ही उपयोग होता है। कुआ संस्कृत में कहां लिखा है? कुआ बताइए जी, संस्कृत का शब्द तो कूप है। प्राकृत रूप क्या है? पूरा देश बोलता है कुआ, कुआ, कूड़ा। थाली, थाली, थाली में परोसा जाता है। संस्कृत शब्द जो है थाली है, प्राकृत शब्द है थाने, थाना। बोले हमारी चैन चोरी चली गई, लोग कहते हैं थाने में जाके रिपोर्ट लिखाओ। थाना मतलब क्या? थाना कौन सी भाषा शब्द है? प्राकृत भाषा का। बस थाना, थाना भी होता है, थाना भी होता है, ठाणे भी होता है। महाराष्ट्र में तो एक बड़े शहर का नाम भी है ठाणे, ठाणा। थाना कैसे बना? स्थान से।
स्थान जहां पुलिस हमेशा रहती, वो स्थान पुलिस थाना। दो प्राकृत भाषा देसी भाषा है और इसका आप थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे ना ख्याल में आएगा। बहुत सारी बातें, खीर बोलते हैं आप लोग, खीर कैसे बनती है? कैसे बनती है खीर? बताओ माताओ, हैं? चावल में पानी मिला दिया तो खीर बन गई। चावल में दूध को मिलाया तो खीर बन गई, और जीवन में धर्म को मिलाया तो तकदीर बन गई। ठीक है, उसमें दूध में मिलाते हैं चावल को, व्यवस्थित रूप से पकाते हैं तो खीर बन जाती। आप खीर ही क्यों बोलते हैं उसको? वास्तव में दूध मतलब होता है क्षीर, जिसमें दूध की बहुलता है वो पदार्थ खीर कहलाता है। तो आप खीर क्यों नहीं बोलते हैं? आप खीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि खीर जो है ना जनभाषा है, प्राकृत का शब्द है। खीर बनाई है आज हमने अपने हाथ से बनाई है महाराज जी, थोड़ी खीर ले लो। भाषा है, सूप शब्द आता है, सूप शब्द टमाटर का सूप, दाल का जो पानी होता है उसको क्या बोलते? दाल का सूप। अभी कैमरे लगी हुई हैं, लोग सुन रहे होंगे, समयसार वाले तो कह रहे होंगे कैसे समयसार की व्याख्या कर दे भगवान जाने। इसमें दाल भी आती है, इसमें सूप भी आता है। भाई दाल और सूप की जो बात कर रहे हैं हम, भाषा की पहचान के लिए कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि सूप जो है इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का शब्द नहीं है ये मूल जो है भारतीय भाषा का, प्राकृत भाषा का शब्द है। समय सारजी में ऐसे कई सारे शब्द आएंगे कि आप समझेंगे थोड़ा सा उसको कि इंग्लिश में आज इसका प्रयोग हो रहा, लेकिन वो मूल प्राकृत के शब्द है सज्जनों। तो हम ये समझें, इसमें जो जई शब्द आया है, जई माने यदि, जी बेण, और सह का प्रयोग तो होता ही है साथ के लिए। इसमें एक शब्द आया है दो, देखो दो भी संस्कृत में होता है द्वी, प्राकृत में होता है दो। पूरा देश दो ही बोलता है। आप बाजार में जाएं और आपको कोई दो चीजें चाहिए, आप ऐसा नहीं कहेंगे दो या द्वी, दो 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 वस्तु चाहिए तो आप दो नहीं बोलेंगे, लेकिन दो से या टू बना है इंग्लिश में। अंग्रेजों के उच्चारण की जो पुराना संसार का जो गड़बड़ है ना उसके कारण से त्री से बन गया थ्री, चतुर से बन गया फोर, इस टाइप से। तो इसमें जो दो आया ना दो भी, जी बस सदुकम मीणा जय जीवन सहचिया पुगल दब्बस कम परिणाम। अच्छा, एवं पुगल जीवा हुदो भी कम मत्तमा बनना, दो भी दोनों ही ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसका भावार्थ आप थोड़ा ध्यान में ले लें कि यदि ऐसा माना जाए कि जीव के साथ ही पुद्गल का कर्म रूप परिणाम होता है, माने जीव और कर्म दोनों मिलकर ही कर्म रूप से परिणमित होते हैं, तो जीव और पुद्गल दोनों ही में कर्म भाव को प्राप्त होने का प्रसंग आता है। जीव और पुद्गल दोनों ही कर्म रूप हो जाएंगे, वो कर्म जो है वो पुद्गल के ना रह करके जीव रूप भी हो जाएंगे,
और ऐसे में दो द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य होने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं मानना, अपितु इसको थोड़ा और स्पष्ट किया है 138वीं गाथा में, एक सदुपरिणाम पुगल दब्बस कम भावेण ताजीव भाव हे दोहिम बिना कमस्य परिणामो। ऐसा, अतः जीव भाव निमित्त कारण है, जीव भाव के बिना न्यारा ही कर्म का परिणाम है, वह एक पुद्गल द्रव्य का ही कर्म भाव रूप परिणाम है। देखो, जैसे दूध और पानी मिले हैं, दूध और पानी मिल करके एक दिखते हुए भी सर्वथा एक हैं क्या? नहीं है। उसको उबाला जाए, उसको गर्म किया जाए, छीर नीर विवेक किया जाए, तो दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि हंस एक ऐसा पंछी होता है कि जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। त्रिरंज प्राणी है हंस, और दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। आप लोग हैं कोई जो दूध और पानी को अलग अलग कर सके? तुम कर सकते हो। ये कह रहे हैं हम कर सकते हैं, नींबू निचोड़ देंगे बोले। अब बताइए, नींबू निचोड़ने से दूध और पानी अलग तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो दूध नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझने की बात है, दोनों में भिन्नता तो है ही है ना। वो ही कह रहे हैं कि अगर नो कर्म से हमारा आत्मा मिला है तो भी नो कर्म और आत्मा भिन्न है, और वो हमें तब तो मालूम पड़ ही जाता है जब दादाजी बाबाजी मरण को प्राप्त होते हैं, किसी मुनिराज का समाधि पूर्वक मरण होता है, आंखों से देखते देखते ज्ञान स्वभाव चेतन स्वभाव वाला आत्मा निकल जाता है, जड़ स्वभाव वाला शरीर यहीं रह जाता है। अब नो कर्म का तो हमें समझ में आ गया, कर्म द्रव्य का कैसे है? कर्म द्रव्य भी ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतरा ये सब जीव से एक मेक हो रहे हैं। एक मेक हो रहे हैं तो सर्वथा एक मेक हैं क्या? सर्वथा एक मेक नहीं मान लेना, और सर्वथा भिन्न भी नहीं मान लेना। ऐसे नहीं है कि इस पात्र में तो पानी रखा है और इसमें दूध रखा, इधर कर्म रखे हैं इस कोने में आत्मा रखा है, ऐसा नहीं है। वो कथनचित एकमेक हैं और कथनचित भिन्न हैं। तो विवक्षा समझा रहे हैं कि भाई जो कर्म बंधे हैं वे जीव से एकमेक हैं, लेकिन सर्वथा एकमेक नहीं है, भिन्न हो सकते हैं। एक का सदु परिणामो पुगल दब्बस कम भावेण, वो परिणामन तो पुद्गल का ही है, पुद्गल जो है कर्म एक का सदु परिणामो है। ये और अगली गाथा आ गई, बोलिए। एक सदु परिणामो जायद जीवस कम भावेण ताजीव भाव हे दोहिम बिना कमस परिणामो। जीव और कर्म दोनों मिलकर के सर्वथा एक ना मान लिए जाएं, तो इसको ऐसे समझो कि जीव निमित्त कारण है, जीव भाव के बिना न्यारा ही कर्म जो है पुद्गल जो है वो कर्म रूप से परिणमित हुआ है। कर्म रूप कौन परिणत हुआ? कर्म रूप से कौन बन गया? भाई रोटी माँ बनाती है, लेकिन रोटी बनती किससे है? माँ की उंगलियां रोटी बन जाती हैं क्या? हाथ नहीं बन जाता। रोटी कौन बनता है? आटा बनता है।
ऐसे ही कर्म रूप बने कौन? पुद्गल द्रव्य, कर्म वर्गणाएं, युग कर्म एक जो पुद्गल थे वो कर्म रूप परिणमित हो गए। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर के इतिहास में प्रथम बार परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित होने जा रहा है। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर वैशाली नगर का श्रीमद जिनेन्द्र 1008 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। भगवान के माता पिता श्री अशोक पाटनी, श्रीमती संतोष पाटनी जी, सौ धर्मेंद्र, सचिंद रानी, श्री प्रवीण जी, श्री प्रिया बरजात्या। आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति वैशाली नगर जयपुर। अध्यक्ष श्री गजेंद्र बरजात्या, महामंत्री श्री राजेश पाटनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमृत लाल काला, श्री अशोक पाटनी, संरक्षक श्री शेखर चंद्र जैन, श्री धन्ना लाल जैन, श्री निर्मल गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जैन, मंत्री श्री पंकज बाकलीवाल, श्री संतोष झांझरी, प्रचार प्रसार मंत्री श्री संतोष बड़जात्या, चित्रकूट।